हेलो एवरीवन, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस सौरभ जोशी ब्लॉग, कौन बेटर है। और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बुरा लग सकता है, तो लगे, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आप फ्लाइंग बीस्ट के फैन हो तो कॉमेंट करके बता सकते हो, अगर आप सौरभ जोशी के फैन हो तो आप लाइक कर सकते हो या अपना ओपिनियन बता सकते हो। तो आज हम कंपेयर करेंगे दोनों को। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लाइंग बीस्ट गौरव भैया एंड ऋतु भाभी, आप दोनों ने हिस्ट्री क्रिएट की है। फ्लाई करते हुए भारत का नक्शा बनाया है आपने, और इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, इतना जिगरा किसी के अंदर नहीं है, पर आपने वो हिस्ट्री क्रिएट की है, अभी तक किसी ने नहीं किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। सो अगर हम बात कर रहे थे सौरभ जोशी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट के बारे में, तो कौन ज़्यादा बेटर है। हो सकता है किसी को बुरा लगे वीडियो, लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। पहले बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के व्लॉग मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बट सौरभ जोशी के व्लॉग भी फैमिली व्लॉग होते हैं, बट सीरियसली मुझे उनके कोई भी वीडियो देख के कोई भी नॉलेज नहीं मिलती। अगर मैं आपको टाइम देख रहा हूँ, आपको देखने पसंद कर रहा हूँ और आपके वीडियोज़ देख रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ जानूँ समझूँ या कुछ नॉलेज मिले आपके वीडियो से। बट मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मैंने वीडियो देखे, ढंग का कोई भी वीडियो नहीं है, सिर्फ एक डेली रूटीन है, आना जाना, खाना पीना। एक अब वो भी कंटेंट उनको मिल रहा है उनके दो भाई की वजह से, अगर वो भाई ना हो तो ये भाई कुछ कर ही ना पाए, तो नहीं मज़ा आता, कोई ज़ीरो नॉलेज मिलती है। तो सीरियसली मुझे सौरभ जोशी की वीडियोज़ अब बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, पहले भी नहीं आते थे, पर मुझे लगता था कि कभी ना कभी कोई नॉलेज वाले वीडियो मिल जाएंगे तो मैं देखता था। बट यही बात करें फ्लाइंग बीस्ट के बारे में, तो फ्लाइंग बीस्ट के कम है सब्सक्राइबर, कब से हूँ, 5,000 कुछ समथिंग फॉलो सब्सक्राइबर थे, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। और उनका एक वीडियो था जो कैब में दोनों जा रहे हैं और दोनों थोड़ा सा मज़े कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे थे जॉब पे और मज़े कर रहे हैं थोड़ा सा, तब से मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। बट तो फ्लाइंग बीस्ट का जब से मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया है, तो फ्लाइंग बीस्ट हर वीडियो पे कोई ना कोई नॉलेज दे के जाते हैं। अगर वो महीने के 30 वीडियो भी डाल रहे हैं, 30 वीडियो में से 15 से 20 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देते हैं या कुछ ना कुछ सिखाते हैं। पहले, अब तो उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले जो टाइम मिलता था उस टाइम पे वो अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए तो पेन और कॉपी में समझाते थे, या तो अपने पीसी में समझाते थे, एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज देते थे, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। लेकिन वो जो वो कर रहे हैं उसके बारे में वो ज़रूर समझाते थे। गौरव भैया, ऋतु भाभी भी समझाती हैं कभी ना कभी, पर हाँ उनके पास ऑफकोर्स उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, बट वो समझाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो सिखाते ही हैं, बड़े होने के नाते वो सिखाते हैं, चाहे वो बड़े को हो या छोटों को, कुछ ना कुछ वो नॉलेज बांटते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अगर देखो, तो जब वो पहले पायलट थे तब वो सारी चीज़ें अपनी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फ्लाइट को कैसे टेक ऑफ करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते थे, नॉलेज देते थे अपनी तरफ से। दूसरी चीज़, उनकी इतनी अच्छी एडिटिंग, मैं तो एडिटिंग का फ़ैन था, इस वजह से मैं उनको ब्लॉग देखता था। सेकंड चीज़, फिर वो LLB करने गए तो उसके बारे में भी समझाया, बहुत सारी ऐसी फिटनेस के बारे में वो समझाते थे। तो ऐसा कोई वीडियो नहीं रहा जिस पे वो नॉलेज नहीं दे रहे हो, बहुत कम ही। जब उनके पास टाइम कम बचने लगा तब कुछ ऐसे रेगुलर वीडियोज़ आने लगे, बट महीने के उनके 15 वीडियो ऐसे होते हैं, 15 से 20 ऐसे वीडियो होते हैं जिसमें वो आपको कुछ सिखाते हैं। अगर हम आपको टाइम दे रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए, सिंपल सी चीज़ सीख जाननी चाहिए कि हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपको देख के, हम कुछ सीख रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपके अगर वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं तो आप हमें कुछ नॉलेज दो, चाहे वो मेरी आदत क्या है कि मैं चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर कोई कुछ चीज़ सिखा रहा है तो मैं सीखना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो हर टाइम में हेल्प करती है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये छोटा है सिखा रहा है तो नहीं लेते, बट मैं तो पर्सनली मेरी जो चीज़ें हैं मैं सीखना पसंद करता हूँ, तो मैं अपने वे में बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, तो लगे भाई बुरा, मैं क्या करूँ। बट दूसरी चीज़ कि पीयूष जोशी की फैमिली व्लॉग ही है, बट उतना अटैचमेंट नहीं आती है, कुछ भी कहो उतनी अटैचमेंट नहीं आती है उनकी फैमिली से। बट यही बात करें फ्लाइंग बीस्ट के बारे में, तो गौरव भैया, ऋतु भाभी, रस्सी, पीहू और जो बुआ जी थी उनकी, जो काम वाली थी, उनके साथ सभी के साथ आदमी को अटैचमेंट हो गया था।
एक अपने सा फील आता है। अगर कभी कल को मिलते भी हैं तो भी ऐसा लगेगा कि अरे ये तो अपने भाई हैं, मतलब अपना वाला फील आता है। सेकंड चीज़, उन्होंने इतने बड़े बड़े क्रिएटर के साथ उन्होंने काम किया, मैं समझ सकता हूँ कि टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, इतने बड़े बड़े क्रिएटर के साथ उन्होंने काम किया, टीवी पे काम किया, इतने बड़े बड़े स्टार्स से मिले, इतना काम होने के बाद भी वो एक डाउन टू अर्थ है ना। मैं समझता हूँ जिनको टीवी का फेम चढ़ता है, क्योंकि मुझे भी टीवी का फेम चढ़ा था। टीवी का फेम इतना गंदा होता है ना, जो ऐसे सर पे चढ़ता है आदमी दूसरे मतलब नहीं समझा सकता, बट टीवी का फेम जो होता है ना वो बहुत गंदा होता है, लोग हर कोई नहीं संभाल पाता है, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। सो फ्लाइंग बीस्ट के लिए सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, बस हमें कुछ सिखाते रहो, ऐसे ही सिखाते रहो। मेरे लिए तो फ्लाइंग बीस्ट ही बेटर है, और आपके लिए क्या है कमेंट करके बता सकते हो। सेकंड चीज़, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसके सब्सक्राइबर कैसे कम हो गए। सो मेरा नया चैनल है, ये मेरा चैनल पड़ा हुआ था, इसमें मैंने व्लॉग डालना स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मेरे 4-5 यूट्यूब चैनल चले गए हैं। क्या रीज़न की वजह से गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल? एक नहीं, मेरे 7 से 8 चैनल सारे चले गए। किसी में 50,000 सब्सक्राइबर थे, किसी में 1 लाख, किसी पे 10,000, किसी में 15,000, एक छोटी सी गलती की वजह से। इसके नेक्स्ट बाद जो वीडियो आएगा वो मैं इसी बारे में बनाऊंगा, क्या गलती हुई, और ये हर क्रिएटर के साथ हो सकता है। इस छोटी सी गलती के कारण आपका चैनल जा सकता है, आप कितना भी सपोर्ट मांगो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये छोटी सी गलती के कारण आपका भी चैनल जा सकता है। सो अगले आने वाले वीडियो पे मैं बताऊंगा कि क्या वो गलती है और कैसे बचना है, ये गलती ना करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करो अगर आप किसके फैन हो, फ्लाइंग बीस्ट के या पीयूष जोशी के। तब इतना ही, बाय बाय, और गणतंत्र दिवस के आप सभी को फिर से शुभकामनाएं।